नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का जो एग्ज़ाम लिया गया था, उस एग्ज़ाम में ड्राइंग एंड पेंटिंग का जो प्रथम पेपर हुआ था, उस प्रथम पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है, उस आधार पर ये पेपर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कौन कौन से आंसर हैं जो किन प्रश्नों के आरपीएससी ने माने हैं। अगर आपने अभी तक हमारे मिशन आर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 50% से अधिक हमारे साथी ऐसे हैं जो हमारी क्लासें तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हो तो अर्जुन बैच है जो हमारा चित्रकला के लिए लॉन्च हो चुका है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इंद्र सभा का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? इंद्र सभा की बात करें तो इंद्र सभा का दृश्य है ये बादामी गुफा में चित्रित है। प्रश्न नंबर दो, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की विष्णु प्रतिमा किस काल में निर्मित है? तो ये जो विष्णु प्रतिमा है ये गुप्त काल की निर्मित है, यानी गुप्त काल में मानी जाती है। अग्रगामी रंगतों को पहचानिए, इन प्रश्नों में अग्रगामी रंगतों की बात करें तो अग्रगामी रंगत है लाल और नारंगी। अग्रगामी रंगत कौन सी है? लाल और नारंगी है। पर्सी ब्राउन ने गांधार शैली को किस नाम से संबोधित किया? तो पर्सी ब्राउन ने गांधार शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट कहा था। आदिवासियों भीलों के जीवन से संबंधित अधिक प्रभावित होकर किस कलाकार ने चित्रांकन किया था? तो आदिवासी भीलों से प्रभावित होकर चित्रांकन करने वाले कलाकार थे गोवर्धन लाल जोशी। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार है जिन्होंने प्रसिद्ध चित्र शिव तांडव की रचना की? तो शिव तांडव ये प्रसिद्ध चित्र है द्वारका प्रसाद शर्मा का। यूनानी चित्रकार निम्नलिखित में से नहीं है, इनमें से कौन से कलाकार हैं जो यूनानी चित्रकार नहीं है? तो ये पियोनियस है, ये यूनानी चित्रकार नहीं माने जाते हैं। मरणासन राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो मरणासन राजकुमारी है ये अजंता की गुफा संख्या 16 में है। आंगिक वाचिक और सात्विक इत्यादि किसके भेद है? तो आंगिक वाचिक और सात्विक ये क्या है? अनुभाव है। लंबे समय तक सफेद श्याम रंग योजना में चित्रित शीर्षक विहीन शीर्षक, यानी शीर्षक विहीन शीर्षक चित्रों को प्रदर्शित करने वाले कलाकार का नाम बताइए? तो ये कलाकार कौन थे? ये थे विद्यासागर उपाध्याय। पुस्तक आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? आर्ट एंड सोसाइटी के लेखक है हर्बर्ट रीड। बहुत अच्छा पेपर था ये। यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल कौन सा है? यूरोपीय कला का पुनर्जागरण काल माना जाता है वो माना जाता है 14वीं से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का समय। गोथिक शैली के किस महान कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है? तो आधुनिक कला का जन्मदाता कहलाता है गोथिक शैली का कलाकार ज्योतो। महादेव पर्वत श्रृंखला की प्राग ऐतिहासिक शिलाश्रय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है पंचमंडी में। सिंग्राफ से निर्मित होने वाला रंग कौन सा है? सिंग्राफ से निर्मित होने वाला जो रंग है वो कौन सा है? कोबाल्ट ब्लू। राजस्थानी चित्र शैली के 12 मासा चित्रों में किया जाता है, तो 12 मासा चित्रों में क्या किया जाता है? इसमें ऋतुओं का वर्णन किया जाता है। सेलखंडों की राजकुमारी या सेलखंडों की कुमारी वर्जिन ऑफ द रॉक्स आता है, इसका लिखा हुआ क्या आता है? वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये पेंटिंग है, ये किसकी है? तो ये लियोनार्डो द विंची की है। प्राग ऐतिहासिक स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। चौकोस पाट, जादू पाट, यम पाट आदि के रूप किस लोक कला में बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं पट चित्र उड़ीसा में। यह हमारा अर्जुन बैच है जो आरपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं स्कूल व्याख्याता की, उनके लिए मिशन आर्ट ऐप पे लॉन्च हो चुका है। अभी तक मिशन आर्ट ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। राजस्थान के ग्राम्य अंचल की लोक कला जिसका अंकन भूमि व भित्ति पर किया जाता है जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है मांडना के नाम से। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो ये दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, सूची एक का सूची दो से मिलाइए, सूचियों के नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए।
सूची एक का सूची दो के साथ क्या करना है, मिलान करना है। भट्ट लोलट का है कौन सा आरोप वाद, तो आप देखिए ए में, सेकंड ए में देखोगे आपको सेकंड यहां पर मिलेगा। केवल एक नंबर ऑप्शन होगा जो उत्तर नंबर दो दिया हुआ है वो होगा। तो भट्ट लोलट का है आरोपवाद, शंकु का है अनुमितिवाद, शंकु का कौन सा अनुमितिवाद, भट्ट नायक का है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। तो इसके अनुसार ये ऑप्शन नंबर दो है जो सही होगा। 1970 में कॉस्मिक क्रिस्टल श्रृंखला किस कलाकार ने प्रदर्शित की, तो कॉस्मिक जो क्रिस्टल की बात करें तो ये किसकी है, ये सुरेश मोहन शर्मा की है, ये किसकी है, मोहन शर्मा की है। आगे चलते हैं, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, विस्मय की बात करें तो ये स्थायी भाव है अद्भुत रस का। 1970 में जगदम्बा देवी को कौन सी लोक कला के लिए हस्तशिल्प का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये मिथिला लोक कला के लिए प्रदान किया गया था। वसली क्या है, वसली विशिष्ट रूप से तैयार कागज है, वसली क्या है, विशिष्ट रूप से तैयार कागज है। क्वेश्चन नंबर 29, रस सिद्धांत के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए, भाव का शरीर पर होने वाला प्रभाव अनुभाव कहलाता है, अनुभाव कहलाता है, ये बात सही है। आलंबन और उद्दीपन संचारी भाव के प्रकार होते हैं, संचारी भाव के नहीं होते हैं, आलंबन और उद्दीपन है ये होते हैं विभाव, ये क्या होते हैं, ये होते हैं विभाव। तो ये दो बी वाला है ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा, जहां जहां बी है इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तीन हट गए, बच गए क्या ए और सी, क्या है सही होगा। मानव के हृदय में सदैव उपस्थित रहने वाले अंतर्निहित भावनाओं को स्थायी भाव कहा जाता है, यानी सी भी सही है और ए भी सही है। अब चलते हैं आगे, पिथोरा पेंटिंग में दोहराए जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति क्या है, पिथोरा पेंटिंग में दोहराई जाने वाली सबसे उल्लेखनीय आकृति है घोड़ा। गौरी पूजा चित्र बीकानेर के किस चित्रकार द्वारा सर्जित किया गया था, तो ये सर्जित किया गया था अपने द्वारका प्रसाद शर्मा के द्वारा। फिल्बर्ट तुलिका किसे कहते हैं, फिल्बर्ट तुलिका वो होती है गोल किनारे व सफेद बालों वाली जो तुलिका होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे फिल्बर्ट तुलिका कहा जाता है। कथन एक की बात करें, फ्लोरेंस की कला का विश्लेषण रेखाओं तथा आकृतियों के द्वारा किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट इनका सही है। कथन बी की बात करें, लेकिन वेनिस कला की उत्तमता केवल रंगों के आधार पर ही निश्चित की जा सकती है, ये बात भी सही है। तो कथन ए सही है, कथन ए सही है और ब यानी ए व ब कौन सा ए व ब दोनों के दोनों इसके क्या रहेंगे, सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर एक है जो सही रहेगा। संफिक्स के मूर्ति शिल्प में मानव शरीर के साथ धड़ किस पशु का है, तो संफिक्स में बात करें तो मानव शरीर के साथ जो धड़ देखने को मिलता है वो शेर को देखने को मिलता है। महाराजा संसार चंद कौन सी शैली के आश्रय देता था, तो महाराजा संसार चंद की बात करें तो ये संसार चंद कांगड़ा शैली के राजा थे। किस वर्ष फ्रा एंजेलिको ने सेन मार्को के कॉन्वेंट भवन में 50 भित्ति चित्र बनाए थे, तो इन्होंने बनाए थे सन 1437 ईस्वी में। पुस्तक कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डब्ल्यू जी आर्चर। स्टेला क्रेम्ब्रिस द्वारा किस गुफा चित्रों की खोज की गई, तो स्टेला क्रेम्ब्रिस ने बादामी गुफा चित्रों की खोज की थी। सन 1981 में ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत राजस्थान के प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकार कौन थे, तो ये थे विद्यासागर उपाध्याय। कौन से कलाकार थे, ये थे विद्यासागर उपाध्याय। आगे चलते हैं, नुजुम अल उलूम पुस्तक चित्रण दक्षिण की किस सल्तनत में हुआ था, तो नुजुम अल उलूम है इसका चित्रण है बीजापुर में हुआ था। आगे है हमारा अर्जुन बैच, आप एक बार जाकर के जरूर देखिए, डेमो क्लास देखिए। बनी ठणी के चित्रकार कौन है, बनी ठणी की बात करें तो ये पेंटिंग बनाई थी मोर ध्वज निहाल चंद ने, ये बीकानेर शैली के उप शैली की बात करें तो कौन सी, किशनगढ़ शैली की पेंटिंग थी। चावंड रागमाला राजस्थानी चित्र शैली के निम्नलिखित में से किस उप शैली में चित्रित की गई, तो चावंड की बात करें तो ये राजस्थान की उप शैली कौन सी थी, मेवाड़। चावंड रागमाला है जो मेवाड़ से प्राप्त होते हैं। स्लीपिंग विंस किस रेनेसा कलाकार ने चित्रित किया है, स्लीपिंग विंस की बात करें तो ये जॉर्जियन की है, किसकी है, जॉर्जियन की। प्रमुख चित्र भील बालाएं का चित्रकार कौन है, तो भील बालाओं के ये चित्रकार हैं ये गोवर्धनलाल जोशी है, जिसे भीलों के चित्र चितेरा भी कहा जाता है। शीर्षक मेडिटेशन एवं शिव शक्ति चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है, तो मेडिटेशन एवं शिव शक्ति की बात करें तो इसके चित्रकार हैं ज्योति स्वरूप। इसके चित्रों में इनके चित्रों में बंगाल का लालित्य और अजंता का गांभीर्य छुपा है,
यह कथन किस कलाकार की कला पर स्टिक है? तो इसमें बात करें तो ये राम गोपाल विजय वर्गीय है, इसके लिए या इसकी कला के लिए एकदम से स्टिक माना जाता है। चियरोस्क्यूरो क्या है? चियरोस्क्यूरो छाया प्रकाश का प्रभाव है। चियरोस्क्यूरो क्या है? छाया प्रकाश का प्रभाव है। सूची एक का सूची दो के साथ क्या करना है? मिलान करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर आपको क्या करना है? चुनना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईसा का दिव्य शरीर धारण करना, ये किसकी है? ये है राफेल की। तो एक में देख लीजिए आप, फोर एक में देखोगे आपको फोर मिलेगा ऑप्शन नंबर तीन में, सही उत्तर तो यही है। फिर बात करते हैं शरणार्थी है, ये किसकी है? ये माइकल एंजेलो की है। शैलखंडों की राजकुमारी है, ये लियोनार्डो दा विंची की है। और विनस का जन्म की बात करें तो ये किसका है? सैंड्रो बोटिचेली की। तो आप देख लीजिए डी में फर्स्ट ठीक है, ऑप्शन नंबर जो अपना तीन है वो बिल्कुल से सही है। गांधार कला का जन्म किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ था? गांधार शैली की बात करें तो इसमें एक तो भारतीय शैली थी और एक थी ग्रीको रोमन शैली, यानी एक ग्रीको शैली थी। तो भारतीय और ग्रीको रोमन शैली से गांधार कला का जन्म हुआ था। ग्लेज सिरेमिक्स पर डिजाइन बनाने में पारंगत कलाकार कौन थे? तो ये कलाकार कौन थे? ये थे ज्योति स्वरूप। ये कौन थे? ज्योति स्वरूप थे। पाबूजी राठौड़ का विवाह है, यानी पाबूजी राठौड़ का विवाह चित्र है, चित्रकार को पहचानिए ये किसका चित्र है? ये कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। रंग के तीन गुण है, कौन कौन से होते हैं? रंगत होता है, मान होता है और सघनता होती है। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही है। जैन तीर्थंकरों के चित्र किस गुफा में मिलते हैं? जैन तीर्थंकरों की बात करें तो इनके चित्र हमें शीतनवासल गुफा से प्राप्त होते हैं। तुर्की मुर्गा का चित्र किस चित्रकार की प्रसिद्ध करती है? तो ये उस्ताद मंसूर की प्रसिद्ध पेंटिंग है तुर्की मुर्गा। चित्रकला संबंधी विस्तृत विवरण किस पुराण में उपलब्ध है? चित्रकला से संबंधित विस्तृत विवरण की बात करें तो ये हमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देखने को मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण कौन सा है? तो श्रृंगार रस का वर्ण विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार कौन सा माना गया है? श्याम वर्ण माना गया है। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन हमें बताना है। इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। यानी ए तो क्या है? सही है। चित्रों में हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ विवाह के दृश्य आदि को चित्रित किया गया है, बी ऑप्शन भी सही है। यह लोक कला मिथिला कला के नाम से जानी जाती है, यह भी सही है। मधुबनी गुजरात की नहीं है, मधुबनी है कहां की? बिहार की। मधुबनी कहां की है? बिहार की है। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, जहां डी है इसको हटा दो। इन तीनों ऑप्शन को क्या कर दो आप? हटा दो। जो ऑप्शन नंबर तीन आ रहा है ए बी सी इज राइट, यानी ऑप्शन नंबर तीन वाला क्या रहेगा अपना? सही रहेगा। आधुनिक चित्रकला का इतिहास, आधुनिक चित्रकला का इतिहास ये पुस्तक है और दूसरी पुस्तक है कलाकोश नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? तो ये है आरवी सांकलकर। वर्तमान में इन किताबों को हर कोई विद्यार्थी है जो कला का अध्ययन करने वाला है वो इन किताबों के बारे में बिल्कुल जानता है और इन किताबों से ही पढ़ता है। पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय क्या था? तो पाल शैली में रचे गए चित्रों का विषय रहा था बौद्ध धर्म से संबंधित। सम्मुखता का सिद्धांत प्रमुख विशेषता है, यानी सम्मुखता का सिद्धांत की बात करें तो ये मिस्र की कला है, इसका ये प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। और यह हमारा अर्जुन बैच है जो बहुत प्रमुख माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है ललित कला का सही समूह है? ललित कला की बात करें तो चित्रकला मूर्तिकला मांडना कला इसमें नहीं होगा, चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला मिट्टी कला इसमें नहीं होगा, चित्रकला मूर्तिकला संगीत कला काव्य कला, यानी ऑप्शन नंबर तीन है अपना कौन सा? चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला संगीत कला और काव्य कला, यानी ऑप्शन नंबर तीन है वो क्या होगा इसका बिल्कुल से सही होगा। द्वितीय रंग नहीं, इनमें से कौन सा कलर है जो द्वितीय नहीं है? ये जो पीला कलर है ये प्राथमिक कलर है। कैसा रंग है? ये प्राथमिक रंग है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आ जाइए हमारे मिशन आर्ट के अर्जुन बैच में, बहुत गजब से आपको पढ़ाया जाएगा वहां पर। आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से नहीं है, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो आनंद कुमार स्वामी का नहीं है? मिरर ऑफ जेस्चर्स की बात करें तो यह है आइडियल्स ऑफ द इंडियन आर्ट, ये ओकाकुरा का ग्रंथ है, ये नहीं है इसका। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट है, ये है बिल्कुल। द डांस ऑफ शिवा भी इनका है। तो इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो आइडियल्स ऑफ द इंडियन आर्ट, यानी आइडियल्स ऑफ द ईस्ट है वो ओकाकुरा का, ये तो आइडियल्स ऑफ द इंडियन आर्ट है ये इसका नहीं है।
यानी अनंत कुमार स्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्नलिखित में से नहीं है, कौन सा नहीं है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट है जो इसका नहीं है। इसके कौन कौन से है? मिरर ऑफ जेस्टर्स आप याद रखना, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट भी इसका है, द डांस ऑफ सेवा भी अनंत कुमार स्वामी का ग्रंथ है। गोथिक कला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। गोथिक कला के बारे में आपको सही कथन बताना है, 13वीं सदी में उत्तरी फ्रांस, फ्लांडर्स तथा इंग्लैंड में विकसित कला गोथिक शैली कहलाई थी, ये बात सही है। गोथिक शैली अपने भवन निर्माण एवं रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए जानी जाती है, सैंड ग्लास विंडो के लिए भी जानी जाती है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। गोथिक कला में केवल धार्मिक विषयों का अंकन हुआ है, धार्मिक विषयों का अंकन हुआ है, ये बात इसकी क्या गलत है, केवल धार्मिक विषयों का अंकन इसमें नहीं हुआ है। मानवीय भावना के अतिरिक्त इन गोथिक कलाकारों ने आकृतियों को यथार्थपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया, ये बात इसकी सही है। तो क्या क्या सही निकला? ए सही, बी सही और डी सही। ए बी और डी जो ऑप्शन नंबर दो में हमें देखने को मिल रहा है पूर्णतः सही। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवर ए सुहेली या अनवर ए सुहेली। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बरोक कला से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से कलाकार हैं जो बरोक कला से संबंधित नहीं है? ये जो मासाचियो है ये बरोक कला से संबंधित कलाकार नहीं है। इसमें डोरिक शैली के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन से? ज्यूस और ओलंपिया तथा एथिना की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया था फिदियास ने। किसने किया था? ये फिदियास नामक जो मूर्तिकार है इसके द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध चित्र वुमन ब्रोकन फिगर जैसे चित्रों के चित्रकार का नाम बताइए। इसकी हम बात करें तो वुमन और ब्रोकन फिगर है ये किसका है? यह पी एन चोयल का। विचित्र चित्रमन होनहार अनूप छत्र बालचंद किस मुगल शासक के श्रेष्ठ दरबारी चित्रकार थे? तो विचित्र चित्रमन होनहार की बात करें तो ये शाहजहां के दरबारी चित्रकार थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। इसमें सही कथन है, दो मुख्य रंगतों को मिलाने से प्राप्त रंग शेष यानी तीसरे रंग का पूरक रंग होता है, जो कि बिल्कुल सही है। वर्ली जनजाति द्वारा वर्ली चित्रों को बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो रंग का प्रयोग किया गया था वो किया गया था, एक तो भूरा था और दूसरा था सफेद, यानी ऑप्शन नंबर तीन है वो पूर्णतः सही रहेगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये आर डी बैनर्जी यानी राखल दास बैनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका पूरा नाम है राखल दास बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी के द्वारा किया गया। नेफरतीति के सिर की प्रतिमा किस माध्यम से बनी हुई है? तो ये बनी हुई है चूना पत्थर और रंगीन प्लास्टर से। लंदन में वर्षा चित्र का चित्रकार कौन है? तो लंदन में वर्षा नामक चित्र के चित्रकार हैं पी एन चोयल यानी परमानंद चोयल। उस कलाकार को पहचानिए जो अपने रिलीफ म्यूरल और बाटिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। तो ये कौन से कलाकार जाने जाते हैं? प्रोफेसर जो सी एस मेहता है वो बाटिक रिलीफ म्यूरल और बाटिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन पर निर्मित फ्रेस्को चित्र नौका विहार किस कलाकार की रचना है? नौका विहार की बात करें तो ये गोवर्धन लाल जोशी की है। राजस्थान के किस स्थान के शैल चित्रों को लोग सीता जी का मांडना नाम से संबोधित करते हैं? तो ये क्या कौन से है? ये है आलनिया के जो शैल चित्र है इनको सीता जी के मांडने कहा जाता है। चित्र सूत्र के 9 अध्यायों में से नहीं है, इनमें से 9 अध्यायों में से कौन सा अध्याय है जो इसमें नहीं है? और इसमें जो तुलिका भेद का जो अध्याय है ये इसमें नहीं है चित्र सूत्र में। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त नहीं है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से क्या नहीं मिला? दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली, मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली, यहां से उड़ती हुई चिड़िया की जो मूर्तियां वगैरह है वो नहीं मिली थी। अभिकथन एक ही बात करते हैं, मथुरा की मूर्तिकला सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर पर बनी है, एकदम से सही है। कारण आर, क्योंकि सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर स्थानीय रूप से मथुरा अंचल के आसपास उपलब्ध है, ये बात भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों क्या रहेंगे? सही रहेंगे। ये हमारा अर्जुन बैच है जो विद्यार्थियों की सबसे पहली पसंद रहा करता है। आंतरिक जंगल नामक सीरीज के चित्रकार कौन है? तो आंतरिक जंगल के जो सीरीज है इसके चित्रकार है ज्योति स्वरूप। रेड ऑन रेड कलाकृति किसने चित्रित की? तो ये सुरेश शर्मा ने चित्रित की। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, यूं कहें तो आरपीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अपोलोनियस और उनके पिता क्लेमेंस किस युग के मूर्तिकार थे? तो ये रोमन युग के मूर्तिकार माने जाते हैं।
नीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? नीले का पूरक रंग की बात करें तो नीले का पूरक रंग होता है कौन सा? नारंगी। कौन सा होता है? नारंगी। जो पूरक का मतलब एक अन्य कौन से दो, यानी नीला रंग है, मुख्य रंग कौन से होते हैं? तीन होते हैं नीला, एक होता है लाल और एक होता है पीला। अब देखो पूरक कैसे होगा, जो लाल और पीले से बना है, लाल और पीले से कौन सा बना है? ये बना है नारंगी। अब ये जो शेष प्राथमिक रंग बच गया, ये इस द्वितीय का क्या हो गया? ये हो गया पूरक रंग। यानी ये जो कंसेप्ट है वो इसके अंदर होता है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार आप फंडामेंटल आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आ जाइए मिशन आर्ट के अर्जुन बैच में। अब चलते हैं आगे। काले व सफेद रंग को माना जाता है, काले व सफेद रंग को अवर्णीय रंग या वर्ण शून्य माना जाता है। इस पुनरुत्थान कलाकार की नारी आकृतियों में भी पुरुषत्व दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है माइकल एंजेलो बुआर्निटी की आकृतियों में। डिस्को बॉल्स या डिस्कस थ्रोअर मूर्ति किसने बनाई थी? तो ये मायरन ने बनाई थी। आलंबन और उद्दीपन निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? तो आलंबन और उद्दीपन है ये क्या है? विभाव है, ये विभाव है। शीतनवासल गुफाएं कहां स्थित है? शीतनवासल की गुफाएं हैं ये तंजोर में है, कहां है तंजोर, और तंजोर कहां है? ये है तमिलनाडु। तेल रंग माध्यम में निर्मित वाराणसी घाट के छाजे नामक चित्र का चित्रकार कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे अपने बीसी गोई। कौन थे? बीसी गोई। शांति निकेतन में हिंदी भवन के लिए किस राजस्थानी चित्रकार ने भित्ति चित्र बनाए? तो ये किसने बनाए थे? ये कृपाल सिंह शेखावत ने बनाए थे। रोकोको काल का सबसे महान तथा सबसे बड़ा प्रतिनिधि चित्रकार कौन था? ये टाइपोलो था। कौन सा? टाइपोलो या टाइपोलो जो कलाकार था वो रहा है। नीदरलैंड के किस कलाकार को तेल रंग चित्रण पद्धति के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो ये जाता है जॉन वैन आइक या जॉन वॉन आइक को। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भावों का विवेचन किया गया है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 33 है जो संचारी भाव बताए थे। मिस्र की कला में पिरामिडों का युग किस काल को कहा जाता है? तो पिरामिडों का युग कहलाता है प्राचीन राज्य। कौन सा राज्य कहलाता है? प्राचीन राज्य। परसेप्शन ऑफ उदयपुर यानी उदयपुर बौद्ध चित्र श्रृंखला किस चित्रकार द्वारा निर्मित है? तो ये है PN चोयल यानी परमानंद चोयल की चित्र श्रृंखला। वह कला जिसमें लंबाई चौड़ाई और गहराई, यानी लंबाई भी हो उसमें चौड़ाई भी हो और उसमें गहराई भी हो, क्या हो? गहराई भी हो, यानी कैसी हो? 3D हो। तो ये किसमें होती है? ये होती है मूर्तिकला। चित्रकार एवं उनके चित्र के आधार पर सही युग्म को चिन्हित, चित्रकार और उनका सही युग्म बताना है। अंतिम भोज माइकल एंजेलो का नहीं है। राफेल का दिव्य ईसा का दिव्य शरीर धारण करना बिल्कुल सही है। लियोनार्डो विंची का अंतिम न्याय नहीं है। रेम्ब्रांट का पेरिस का न्याय नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर दो है राफेल यानी राफेल का चित्र है, ईसा का दिव्य शरीर धारण करना बिल्कुल सही है। बाघ गुफाओं का पहला विवरण एवं परिचय किसने प्रकाशित किया? तो ये किया था लेफ्टिनेंट डैगर फील्ड ने। भीमबेटका शिलाश्रयों की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका शिलाश्रयों की खोज की बात करें, भीमबेटका की खोज की बात करें तो ये V.S. वाकणकर के द्वारा की गई थी। प्रसिद्ध पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट के लेखक कौन है? तो ये है आनंद कुमार स्वामी। भट्टनायक का महत्वपूर्ण योगदान किस सिद्धांत के रूप में है? तो भट्टनायक का कौन सा है? भट्टनायक का है भुक्तिवाद। कौन सा है? भट्टनायक का भुक्तिवाद। कौन सा राज्य मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिहार है जो मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस कला समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? तो ये होती है उपयोगी कला के द्वारा। उर्बिनो या अरबिनो की विंस चित्र की रचना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये टिशियन ने की थी। अरबिनो की विंस नामक प्रसिद्ध चित्र है किसका? टिशियन का, जिसे टीटियन आया है। सही इंग्लिश में आप देखोगे तो ये क्या होता है? ये टीशियन होता है, टीशियन या टीटियन। ठीक है, चलते हैं आगे। रामगोपाल विजय वर्गिया ने इनमें से किस विषय पर चित्र श्रृंखला नहीं की? इन्होंने रामायण के बनाए, मेघदूत के बनाए, उमर खयाम के बनाए, सुबह का संगीत, इस प्रकार के चित्र इन्होंने नहीं बनाए थे। अपभ्रंश शैली में किस धरातल पर चित्रण नहीं किया गया? अपभ्रंश शैली में है जो भित्ति चित्र नहीं बनाए गए थे। पिछवाई चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पिछवाई चित्रकला के बारे में बात करें, सही कथन हमें बताना है। नाथ द्वारा के श्रीनाथ मंदिर तथा अन्य मंदिरों में मुख्य मूर्ति के पीछे की दीवारों पर लगाने के लिए है जो पिछवाई पेंटिंग है, इनका प्रयोग किया जाता है।
यानी नाथ द्वारा के सिद्धनाथ मंदिर तथा अन्य मंदिरों के मुख्य मूर्ति के पीछे की दीवार पर लगाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? पिछवाई पेंटिंग का, बिल्कुल सही है। पिछवाई चित्रों में भगवान कृष्ण के जीवन एवं उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, ये बात भी सही है। पिछवाई पेंटिंग अपने जटिल विवरण, अलंकरण सीमाओं यानी बॉर्डर और बढ़िया ब्रश वर्क के लिए जानी जाती है, ये बात भी सही है। पिछवाई पेंटिंग महाराष्ट्र की नहीं, पिछवाई पेंटिंग किस कहाँ की है? यह है नाथ द्वारा, कहाँ की है? यह है नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहाँ है? यह है राजस्थान में। तो डी वाला क्या है, बिल्कुल से गलत है। डी को हटा दो, यहां से हटा दो, यहां से हटा दो और यहां हटा दो। तो ए बी और सी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। पीला रंग किस रस की अभिव्यक्ति करता है? पीला रंग की बात करें तो पीला है जो अद्भुत अद्भुत जो रस है इसकी अभिव्यक्ति करता है। उत्कीर्ण चित्रों यानी रिलीफ पेंटिंग्स को रंगने की परंपरा किस काल में विकसित हुई थी? तो ये विकसित हुई थी प्राचीन राज्य में। कब हुई थी? ये प्राचीन राज्य में ही विकसित हुई थी। दृश्य कला, प्रदर्शन कला, साहित्य, इन तीनों में कौन सा तत्व सम्मान पाया जा सकता है? तो इनमें भाव है जो सम्मान पाया जा सकता है। किसी कला में भाव होना बहुत जरूरी है। रात्रि के प्रहर यानी नाइट वॉच, क्या कहा जाता है इसे? इसे नाइट वॉच कहा जाता है। नाइट वॉच कृति का सर्जन किसने किया था? तो ये किया था रेम्ब्रांट यानी रेम्ब्रांट। लियोनार्डो का मोनालिसा चित्र किस संग्रहालय में संग्रहित है? सबको पता है ये लूव्र संग्रहालय जो पेरिस है वहां रखा हुआ है। पार्थेनन मंदिर कहां स्थित है? पार्थेनन मंदिर है जो ग्रीक में है। कहां है? ग्रीक में यानी यूनान में है। कहां है ये? यूनान में है। चित्रकार व छापा चित्र दोनों कलाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनमें से ऐसे कौन से कलाकार हैं जो छापा चित्रकार भी थे और चित्रकार भी थे, दोनों कलाओं में प्रसिद्ध थे? ऐसे कलाकार हैं जो सेल चोयल है। ये शीर्षक रासलीला, लक्ष्मी का उदय, रासलीला और लक्ष्मी का उदय नामक प्रसिद्ध चित्रों का चित्रकार कौन है? तो इनके प्रसिद्ध चित्र है ये किसके हैं? ये भवानी चरण गुई के हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड में चित्रकला अथवा चित्र विद्या का वर्णन मिलता है? तो ये तृतीय खंड यानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड में ये देखने को मिलता है। फट चित्रकला के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। फट चित्रकला के बारे में सही कथन आपको बताना है। फट पेंटिंग है देवनारायण और बाबूजी जैसे स्थानीय देवताओं की कहानियों को नहीं दर्शाता है, बिल्कुल गलत है। ये स्थानीय लोक देवताओं की ही कहानी दर्शाता है, तो ये बिल्कुल से क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट ही इनका गलत है। तो ए को आप हटाओ, ए यहां से हट जाएगा, यहां हट जाएगा और यहां आंसर तो आपका निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी सी और डी बता देता हूं सही है या गलत है, आपको वेरीफाई करवा देता हूं। फड़ पेंटिंग हाथ से बुने सूती कपड़ों पर बनाई जाती है, बिल्कुल से सही है। फड़ पेंटिंग में केवल कुछ निश्चित रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीला, नारंगी, हरा, भूरा, लाल, नीला तथा काला रंग। यह शैली भीलवाड़ा के निकट शाहपुरा से उत्पन्न हुई थी, यह बात भी सही है। यानी बी सी और बी सी और डी है जो पूर्णतः सही है। 1970 में राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद का सर्वोच्च सम्मान एवं 1984 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री का सम्मान किस चित्रकार को मिला था? तो यह मिला था रामगोपाल विजयवर्गीय। मणिकुट्टम चित्र क्या है? मणिकुट्टम रंगीन कांच के टुकड़ों से निर्मित चित्र है। कुड्डे शब्द का अर्थ है, कुड्डे शब्द की बात करें तो कुड्डे शब्द है दीवार पर प्लास्टर लगाना, क्या? दीवार पर प्लास्टर लगाना। आगे चलते हैं। ललित कला में सम्मिलित नहीं है, इनमें से क्या है जो ललित कला में सम्मिलित नहीं है? तो हमें देखना है क्या सम्मिलित है। चित्रकला है, मूर्तिकला है, स्थापत्य, संगीत, ये होता है। क्या नहीं है इसमें? इसमें है जो आभूषण कला है जो इसके अंतर्गत है नहीं आती है, यानी चित्र, मूर्ति और संगीत है जो ललित कला के अंतर्गत आती है, तो ये आभूषण कला इसमें नहीं आती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आभूषण कला। चित्र पार्थ सारथी 1989 के चित्रकार कौन है? पार्थ सारथी है, ये कृपाल सिंह शेखावत का बहुत प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। आधुनिक कलाकार का नाम बताइए जो लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ थे। तो इनमें हमें बताना है कौन से कलाकार हैं, ये है सुमहेंद्र। कौन से कलाकार हैं जो आधुनिक चित्रकार जो लघु चित्रकला की तकनीक में विशेषज्ञ माने जाते थे? तो ये सुमहेंद्र है जो माने जाते हैं। बुक ऑफ डेड का संबंध है, ये है मिस्र की कला से या मिस्र से। यह हमारा अर्जुन बैच है जो चित्रकला के विद्यार्थियों से संबंधित है। वीरस का स्थाई भाव क्या है? वीरस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है उत्साह।
किस विद्वान ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया था? तो अनुमितिवाद का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था संकुक ने। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा में कौन सी गुफाएं विद्यमान है? तो यहाँ गुफाएं हैं सरगुजा में जो गुफाएं स्थित है वो है जोगीमारा की गुफाएं। कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ियों में है ये। राजस्थान की पारंपरिक कावड़ कला किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है? कावड़ कला है ये बस्सी चित्तौड़गढ़ का प्रतिनिधित्व करती है। आखेट विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचाने जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? तो ये लघु चित्र शैली है राजस्थान की कोटा। निम्नलिखित में से रोकोको शैली के चित्रकार को पहचानिए। रोकोको शैली के चित्रकार के बारे में हमें बताना है तो ये कौन से है? फ्रांकोइस बाउचर है, ये रोकोको शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है। रोमन कला की विशेषताएं हैं, यानी रोमन कला की विशेषताएं हैं वो कौन कौन से? प्रसिद्ध व्यक्तियों और राजाओं के सादृश्य व्यक्ति चित्रों का निर्माण तथा स्मारकों में तत्कालीन घटनाओं का यथार्थात्मक उत्कीर्णन, ये बात इनकी क्या है भाई? सही है। रोमन भवनों की आंतरिक सजा हेतु विशाल पैनल चित्रों का निर्माण किया गया, प्रायः फूलों के अलंकारिक अभिप्राय बहुत चित्रित किए गए, ये बात भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों क्या है? सही है, यानी नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो इनके कथन एक और दो यानी ए और बी दोनों क्या है? सही। पाल शैली के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो यह है बंगाल, बिहार और नेपाल। बंगाल, बिहार और नेपाल। द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? लाल रंग का पूरक वही बात कि लाल को छोड़कर के कौन सा कलर है जो नीला और पीला, उनसे बचे नीला और पीला को आप कर लो मिक्स, इनको आप करोगे मिक्स तो कलर कौन सा बनेगा? हरा। तो लाल का जो पूरक रंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हरा, ऑप्शन नंबर एक। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? अल्तामीरा गुफा को कहा जाता है। पंडित यशोधर या यशोधर पंडित की कामसूत्र पर की गई टीका का नाम क्या है? तो इसका नाम है जयमंगला। क्या है? जयमंगला। यानी कामसूत्र पर पंडित यशोधर ने क्या की थी? टीका की थी, जिसका नाम क्या था? जयमंगला था। जिग्गुरत क्या है? पूजा ग्रह तथा ज्योतिष विज्ञान, कला और शिल्प इत्यादि की शिक्षा के स्थान है, जिसे क्या कहा गया? जिग्गुरत कहा गया। राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र विधियां पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इनका नाम बताना है हमें, पुस्तक का नाम क्या है? राजस्थानी शैली की विभिन्न चित्र विधियों की बात करें तो ये पुस्तक है नाथूलाल वर्मा की। अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध की बात करें तो ये दूसरी शताब्दी है जो ईसा पूर्व की है वो संबंध माना जाता है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की, जो ऑप्शन नंबर एक में देखने को मिलता है। यह हमारा अर्जुन बैच है जो मिशन आर्ट पे आपको देखने को मिलता है। मिशन आर्ट ऐप पे निम्नलिखित में से चरम पुनरुत्थान का चित्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा कलाकार है जो चरम पुनरुत्थान का नहीं है? तो माइकल एंजेलो है, लियोनार्डो विंची, राफेल तो है, सांद्रो बोटिचेली है, जो चरम पुनरुत्थान काल के नहीं है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा प्रयास ही हमें मोटिवेट करता है और लगातार हम क्लासें चलाने में सक्षम हो पाते हैं। कौन से चित्रकार हैं जो मयूर, कौवे और पक्षियों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं देवकी नंदन शर्मा। और आने वाली फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है जो मिशन आर्ट के इस यूट्यूब चैनल और मिशन आर्ट ऐप पर हम लेके आने वाले हैं। अमरावती के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, बिल्कुल से सही है। अमरावती स्तूप घंटाकृति में बना है, ये बात भी सही है। अमरावती स्तूप के प्रत्येक अंग पर व्यापक अलंकरण नहीं मिलता है, ये मिलता है, ये स्टेटमेंट इनका गलत है। इस स्तूप को बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर में बनाया गया था, ये बात है सही है। तो ए बी और डी इनका क्या रहेगा? सही रहेगा, ए बी और डी जो ऑप्शन नंबर दो में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। दीदारगंज की यक्षिणी जिसे चामर ग्रहणी भी कहा जाता है किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो दीदारगंज की यक्षिणी है ये पटना के पास से मिली है, तो ये कहाँ कौन से संग्रहालय में है? ये पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। वेदों में उल्लेखित शब्द श्री अप्स चारुचित किसके पर्याय हैं? इन शब्दों की बात करें तो ये शब्द पर्याय हैं किसके? सौंदर्य के, यानी एक दो तीन, यानी ये तीन भाव नीचे आना चाहिए, थोड़ा क्रम इनका अलग हो गया, आप ध्यान रखना ये दो नंबर पे हैं और ये तीन नंबर पे हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सौंदर्य होगा। वेदों में उल्लेखित शब्द कौन सा? श्री अप्स चारुचित किसके पर्याय है? तो ये सौंदर्य के पर्याय है। संपूर्ण चित्र सूत्र को कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? तो ये नौ अध्यायों में विभक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सूची एक का सूची दो के साथ क्या करना है? मिलान करना है।
बोतीचेली की बात करें तो बोतीचेली का जो प्रसिद्ध चित्र है कौन सा है, बर्थ ऑफ विंस है, आप देख लीजिए ए में सेकंड, आप देखोगे ए में सेकंड देखोगे आप ऑप्शन नंबर चार में देखने को मिलता है। राफेल का प्रसिद्ध चित्र है सिस्टा एंड मेडोना, ये बात भी सही है। जॉर्जियन का कौन सा है द टेम्पेस्ट, यानी सी में देखो फर्स्ट, और डी में ज्योतो का है लेमेंटेशन, यानी लेमेंटेशन, यानी डी में देख लो आप थ्री, यानी बिल्कुल से ऑप्शन नंबर चार है जो क्या रहेगा इसका सही उत्तर रहेगा। भरतपुर के किस क्षेत्र से मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो भरतपुर के किस क्षेत्र से बात करें तो नोहे क्षेत्र है, यहां से मौर्यकालीन जो यक्ष की मूर्ति है जो प्राप्त हुई थी। प्रसिद्ध चित्र यथा स्वानुभव एवं जीवन के चित्रकार कौन है, यानी चित्र स्वानुभव और जीवन के चित्रकार कौन है, तो यह आरवी सांखलकर, कौन है यह आरवी सांखलकर, कौन है यह आरवी सांखलकर। और आगे बात करते हैं, एक चित्रकार जिसने 300 से अधिक अमलांकन छापा चित्र भी निर्मित किए थे, तो ये कौन से कलाकार थे, ये थे रेम्ब्रा। हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप डेडिकेटेडली स्कूल व्याख्याता की तैयार करना चाहते हो चित्रकला सब्जेक्ट से, तो अर्जुन वेच है जो आपका हम विश्वास दिलाते हैं आपके लिए बहुत उपयुक्त होने वाला है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।